आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को प्रेसवार्ता में क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर एमसीडी की जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने की थी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी का डंपिंग ग्राउंड गौतम गंभीर और उनके एनजीओ को दिया जा रहा है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम एलजी विनय सक्सेना से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसको इल्लीगल एक्टिविटीज में यूज करना, ये एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार, हमारे देश के कानून के आधार पर। ईस्ट दिल्ली के अंदर ये काम कोई और नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने किया है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी ही पार्टी के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी ने ये कहा है, और उन्होंने ये मांग की है, उन्होंने एलजी से भी मांग की है, उन्होंने और बहुत सारे अधिकारियों को लिखा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये कैसे हुआ। मुद्दा ये है कि एमसीडी के पास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, एमसीडी उन जगहों का, उन ज़मीनों का इस्तेमाल बहुत सारे सार्वजनिक कामों के लिए करती है, जैसे कूड़े का ढलाव बनाती है, कूड़ा एक जगह इकट्ठा करती है, वहाँ से प्रोसेस करती है, स्कूल भी एमसीडी बनाती है, छोटे छोटे अस्पताल भी एमसीडी बनाती है, बहुत सारे ऐसे काम, सामुदायिक केंद्र बनाती है एमसीडी, टॉयलेट्स भी बनाती है बहुत सारी जगहों पे, और उन जगहों का इस्तेमाल पब्लिक यूज़ के लिए होता है। वाजपेयी जी ने ये जो पत्र लिखा है, उन्होंने उनके बारे में ये लिखा कि इन्होंने एमसीडी से जो ये ढलाव की जगह है, ये ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना किसी प्राइवेट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है, हमेशा सार्वजनिक चीज़ों के लिए दी जा सकती है। वाजपेयी जी कहते हैं कि इन ढलाव के जगह पे, जहाँ पे सफाई कर्मचारी जाके थोड़ा आराम करते थे, कई बार वहाँ पे कूड़ा डिस्चार्ज करते थे, वो सारी एक्टिविटी बंद हो गई, जिससे पब्लिक एट लार्ज लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, गांधीनगर और उसके आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो जगह एक इंडिविजुअल गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को दे दी जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब ये सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा, उसको लगेगा कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, गौतम गंभीर साहब इंडिविजुअल जमीन्स को, एमसीडी की जगहों को कब्जा कर रहे हैं, ऐसा अनिल वाजपेयी जी कहते हैं इस पत्र के माध्यम से, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद एक चीज़ ये लगता है कि एमसीडी को, जो कि दिल्ली की जनता के टैक्स से बनी हुई है एमसीडी, आज उस एमसीडी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ इंडिविजुअल लोगों ने अपनी प्राइवेट फर्म बना दिया है, जहाँ उनका मन करता है उन ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं। तो इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है एमसीडी के अंदर, पहले चूँकि हमने उठाया था इसलिए बहुत सारे लोगों ने डिसमिस कर दिया कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, दिन भर यही करते हैं, लेकिन ये पत्र तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठाया है ये प्रश्न, कि भाई अनिल वाजपेयी जी ने उठाया, और अनिल वाजपेयी जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, अनिल वाजपेयी जी को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर दिल्ली की, जहाँ तक अगर मुझे पूरी जानकारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था, तो बड़े सीनियर नेता हैं अनिल वाजपेयी जी। अनिल वाजपेयी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये कंप्लेन दी है उन्होंने कि इस तरह से एमसीडी की ज़मीन को गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को देकर कब्जा कराया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस पे दिल्ली की जनता का हक बनता है, किसी इंडिविजुअल का हक नहीं बनता, किसी एनजीओ का हक नहीं बनता, पूरी तरह से क्रिमिनल एक्ट है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की
टाइम बाउंड मैनर पे जांच हो। मैं एलजी साहब से मांग करता हूं कि इसकी वो जांच कराएं और जो भी दोषी अधिकारी हैं और खुद गौतम गंभीर जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लें। जो भी इस संविधान के अंदर, देश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा इस तरह से सरकारी जमीनों को इंडिविजुअल पहले कब्जा करते थे, अब तो बिल्कुल लीगली तरीके से उनको दे दिया जा रहा है कि आप ले लीजिए इसे। तो ये तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी जांच हो और जो भी इसके खिलाफ जो जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।